6000 में भी महंगी डिस्प्ले है ये, और ऊपर से PLS डिस्प्ले। देखो हम यूट्यूबर सोचते हैं भाई कि हमारे चैनल पे बस 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, कुछ भी डाल दे आप लोग देखवे करोगे। अच्छा, और ऐसा ही भाई स्मार्टफोन ब्रांड भी सोचती है कि भाई हमारी तो अच्छी खासी मार्केट में पॉपुलैरिटी है, हम कुछ भी लॉन्च कर दे लोग लेंगे ही लेंगे। और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भाई सभी स्मार्टफोन से ज्यादा है। और अभी रिसेंटली भाई सैमसंग वालों ने सैमसंग A14 को ऐसा लॉन्च नहीं करा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आ चुका होगा, ले लियो क्या। हालांकि मैं सैमसंग को कोई हेटर नहीं हूं भाई, मैं खुद सैमसंग के 3-3 फोन यूज करता हूं। देखो ये तीनों सैमसंग के फोन है और तीनों प्राइमरी डिवाइस है ये दोनों, ये वैसा रखा रहता है। तो कहने का मतलब भाई सब पैसा लगा रहे हो, अच्छा जगह लगाओ। सैमसंग वाले को लग रहा है हम लोगों के घर में ना पैसा का पेड़ लगा हुआ है, ऐसा हिलाते और पैसा गिरता है, वही पैसा से फोन वहां खरीद लेते हैं। तो भाई साहब मैं आपको इसकी 10 प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि भाई छोटी से बड़ी प्रॉब्लम है और आपको ध्यान देना है भाई इनके पे, क्योंकि पैसा लग रहा है भाई आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इसकी कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट की, जो कि सैमसंग वाले काफी ज्यादा हाइलाइट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इस वाले फोन में क्या कमियां देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी भाई बिल्ड एंड डिजाइन की, काफी खतरनाक है भाई। इसका जो डिजाइन है वही मेरे को काफी पर्सनली अच्छा लगा भाई। हालांकि जो बिल्ड है वो प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है और आपको बॉक्सी टाइप का डिजाइन भी मिल जाता है, आईफोन वाला फील देगा भाई, आईफोन नहीं समझना। डिजाइन के ऊपर काफी अच्छा खेल गए भाई, यहाँ पे मेरे को लगता है कि डिजाइन को ही लोग देखकर फोन को लेंगे। अब अगर मैं बात करूं इसकी दूसरे हाइलाइट पॉइंट की, तो भाई साहब इस वाले फोन में भाई आपको एक्सिनोस का 1330 का प्रोसेसर मिल जाता है, ये लेटेस्ट प्रोसेसर है सैमसंग का एंड 5nm बेस प्रोसेसर है और इसकी अंतुतु स्कोर भाई 4 लाख के प्लस जाती है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस भाई काफी तगड़ी आपको देखने को मिलेगी इस वाले फोन में। तो जैसे भाई यूट्यूब पे आप एड स्किप करते हो ना, वैसे ही भाई टेक क्रिएटर इसकी डिस्प्ले को स्किप कर दी है। इसमें भाई 90Hz की फुल HD प्लस PLS डिस्प्ले मिलती है। बस यही बताकर भाई साहब डिस्प्ले में ब्राइटनेस कितनी है, कौन सा प्रोटेक्शन है एंड गाइस और भी बहुत कुछ होता है, हम आपको बताएंगे कमियों वाली पार्ट में, तो भाई वेट करो। अब भाई ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया है जिनमें से यूज आप करोगे एक ही को, जो कि प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और 13 मेगापिक्सल का भाई सेल्फी कैमरा है एंड गाइस इसमें 5000mAh की बैटरी दे रखी है। और भाई सैमसंग वालों ने एक चीज अच्छा काम करा है कि आपसे प्रॉमिस करा है कि हम 2 साल का OS अपडेट देंगे और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देंगे एंड गाइस ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। तो मेरे को लगता है ठीक है भाई सैमसंग ही कर सकता है ऐसा, मतलब अभी बहुत सारा ऐसा फोन आया है 2023 में जो कि भाई एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है। बाकी यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, फेस लॉक वगैरह दे रखा है, तो आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे जो भी आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। अब भाई साहब सबसे पहली बात की, अगर आप सैमसंग लवर हो, यार माफ कर देना हम आज बहुत बुरा भला कहने वाले सैमसंग वालों को, ऐसा नहीं है कि वो हमें ऐसा रिव्यू यूनिट नहीं भेजते तो ऐसा बोल रहे भाई, हम आपका पैसा बचाने की सोच रहे भाई, भाई हो यार आप हमारे, तो ऐसा थोड़ी ना आपका पैसा ऐसा बर्बाद होने देंगे। तो सबसे पहले भाई आप ना हमसे नेगेटिव वे में जाना ना ब्रांड से, भाई ब्रांड कमियां देती है और उसको हम बताएंगे ना भाई। बात करूं इसकी भाई सबसे पहली कमी की, तो वो तो इसके बॉक्स से ही स्टार्ट हो जाती है। इस वाले फोन में कोई अडैप्टर नहीं मिलेगा आपको, मतलब केबल तो दे रखे हैं और ऐसा केबल दे रखा है Type-C to Type-C कि भाई उसको आप कहीं यूज भी नहीं कर पाओगे। एडाप्टर भी आपको भाई टाइप सी वाला लेना पड़ेगा तभी आप जाके केबल को यूज कर पाओगे। अगर आप फोन लोगे ना तो ऐसा केबल भी फेंका रहेगा, चार्जर आप लेते हो तो सैमसंग का या तो ओरिजिनल लेना पड़ेगा या फिर आपको एक महंगा चार्जर लेना पड़ेगा जो कि भाई टाइप सी पोर्ट के साथ आता है। भाई केबल देके कौन सा एहसान कर दिए भाई। अब भाई साहब लोग डिस्प्ले में बहुत ज्यादा झोल कर रहे हैं भाई। सबसे पहली बात तो भाई कि डिस्प्ले पे कौन सा प्रोटेक्शन है, आई डोंट नो, आपको पता होगा तो बताना कमेंट करके। एंड गाइस इसके डिस्प्ले देखो यार, मेरे को हंसी आ रही कि भाई साहब इतने बड़े बड़े बेजल्स यार, ये तो डिस्प्ले मेरे को लगता है कि 6000 वाली डिस्प्ले, 6000 में भी महंगी डिस्प्ले है ये, और ऊपर से PLS डिस्प्ले भाई। ये जो PLS डिस्प्ले है ना भाई IPS से भी नीचे आती है। एंड गाइस इसमें कितनी निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है ये भी नहीं बताया ब्रांड ने क्लियरली। डिस्प्ले तो भाई पूरा ही खत्म है। और भैया कहां चले, अभी रुको यार बहुत कुछ बताना है। प्रोसेसर तो भाई काफी तगड़ा दे दिया इस वाले फोन में, लेकिन भाई UFS स्टोरेज का नहीं बताया भाई। इसमें LPDDR4X RAM UFS कौन से स्टोरेज है बताया ही नहीं, तो हम क्या बताया आपको भाई। बोले थे ना सैमसंग लवर को लगेगा बुरा, 15 वाट का फास्ट चार्जर मिलता, फास्ट चार्जर कहाँ से हो गया, ये 15 वाट का चार्जर मिलता है। अरे भाई साहब चार्जर मिलता है कहाँ है, वो तो बॉक्स में है ही नहीं। 15 वाट का चार्जर को सपोर्ट करता है, चार्जिंग स्पीड भी स्लो है, काफी लोग कहेंगे भाई
अबे सैमसंग जो है ना वो थोड़ा बैटरी के हेल्थ को देखकर चलता है, तो इसका क्या मतलब कि 15 वाट का चार्जर देगा, पूरा दिन हम फोन को चार्ज करते रहेंगे? ऐसा नहीं है भाई, फास्ट चार्जर होता है तो अच्छा होता है इसमें। अभी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा भाई, काफी अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। लेकिन भाई साहब अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है भाई, मैक्रो टैप का करेगा उसका भाई, लोग कुछ नहीं करेगा, वो सो में रहेगा समझे। तो ऐसा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दे देते तो थोड़ा बहुत हम भी थोड़ा लंबे चौड़े हो जाते, तो वो देना चाहिए था, लेकिन भाई लोग दिए ही नहीं यार। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ कमेंट करके। अब देखो सैमसंग वाले ने साल की शुरुआत कर दी है 2023 में बिंदी देकर, वाटर टॉप नॉच वाली डिस्प्ले दे रहे भाई। ये जो ट्रेंड है ओल्ड हो चुका है, पंच होल होना चाहिए था इस वाले फोन में जो कि नहीं है यार। एंड गाइस सबसे बड़ी बात, सिंगल स्पीकर है भाई, डुअल स्पीकर नहीं दे रखे भाई। और भाई इस वाले फोन में वन यूआई का फुल स्क्रीन भी नहीं है, वन यूआई का कोर एडिशन दे रखा है जो कि वन यूआई का थोड़ा सा लाइटर यूआई है। एंड गाइस इसमें आपको कुछ लिमिटेड ही फीचर देखने को मिलते हैं, ऐसा मतलब सस्ते, भाई बुरा मत मानना लेकिन कहने की बात है, कह दे रहा हूं, सस्ते लोगों के लिए सस्ती यूआई है ये, समझे? तो मतलब समझ में आ रहा है ना, जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन होते जो ज्यादा पैसा दे रहे उन लोगों को भाई अच्छी यूआई मिलता है। मैं क्लियर कट ओपिनियन दूं तो सैमसंग वाले भाई दो तीन चीज के लिए पैसा ले रहे हैं, पहला तो भाई डिजाइन, दूसरा भाई इसका प्रोसेसर, तीसरा भाई कह सकते हो 50 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, बाकी भाई जो अपडेट का प्रॉमिस कर रहा है वो अपडेट के लिए भी ये लोग पैसा ले रहे हैं, और हाँ ये अपने ब्रांड वैल्यू के ऊपर भी पैसा ले रहे हैं। तो हाँ भाई ठीक है, पॉपुलर ब्रांड है भाई तो वो इतना कर ही सकता है। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो भी मन कर रहा होगा वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, या फिर बेल नोटिफिकेशन को तोड़ फोड़ के जो भी करना होगा कर दीजिएगा, समझे? हो जाएगा ना। चलो ठीक है, फिर मिलता फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।